कल हमने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 11वें अध्याय को पढ़ा था और उसमें मैत्रेय मुनि ने विदुर को काल की गणना समझाई थी। हमने देखा किस प्रकार परमाणु काल से शुरू करके और महाकाल यानी कि पूर्ण सृष्टि के काल की वर्णना मैत्रेय ऋषि ने विदुर को की। और अब इस अध्याय से 12वें अध्याय से अब जो विसर्ग सृष्टि आगे बढ़ी, ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति की, उनके प्रथम पुत्र चतुष कुमारों का जन्म इत्यादि इस अध्याय में शुरू होने जा रहा है। तो हम लोग पाठ करेंगे तृतीय स्कंद अध्याय 12। इस अध्याय का नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ब्रेन चाइल्ड, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये टर्म शायद यहीं से आया है, मानस पुत्र, ब्रेन चाइल्ड। तो ये मानस पुत्र ब्रह्मा जी के किस प्रकार आए, ये सब वर्णना इधर है। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाचा इति ते वर्णिता शक्ता कालख्या परमात्मना महिमा वेद गर्भोथा यथाक्षरक्षिण्य बोध में। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। हरे कृष्ण। भगवान के काल शक्ति के विषय में बात करने के बाद अभी ब्रह्मा की विसर्ग सृष्टि के विषय में मैत्र मुनि आगे बता रहे हैं। स सर्जाग्रेन्धतमिश्रम अंधतमिश्रम अधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञा वृत्तया। तो ये अभी आगे ब्रह्मा जी की विसर्ग सृष्टि अब शुरू हो रही है, उसके विषय में बताया जा रहा है। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्तृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ये जो है ये अविद्या के रूप हैं, ये अलग अलग अविद्या है। तमह मतलब अविद्या, तमह मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अविद्या अज्ञान, जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। मोहम, मोहम मतलब, मोह मतलब आसक्ति, भौतिक आसक्ति में जब हम पड़ जाते हैं उसको मोह बोलते हैं, शारीरिक धारणा में जब पड़ जाते हैं उसको मोह बोलते हैं। महामोहम, महामोह मतलब उस शरीर से आसक्त होकर हम ये सोचने लगते हैं कि हम ही भोगता हैं, ये महामोह है। उसके बाद तमिश्रम, तमिश्र मतलब जब हमारी ये स्वामित्व की भावना पूर्ण नहीं होती तो हम क्रोध की चपेट में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वामी बने, भोक्ता बने, लेकिन भौतिक प्रकृति हमको स्वामी भोक्ता बनने नहीं देती तो क्रोध आता है। तो हताशा के बाद का जो क्रोध है उसको तमिश्र बोलते हैं। और अंध तमिश्र मतलब मृत्यु, जो मृत्यु की भावना है, जो हताश निराश होने के बाद व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है भौतिक संसार में, तो मृत्यु की भावना है। तो यहाँ पर अविद्या, मोह, महामोह, तमिश्र, अंध तमिश्र, ये सारी अविद्याओं की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति, और अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव श्री भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व
भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर का सृजन है और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण। भौतिक संसार के जितने भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका मुख्य प्रयोजन है, ठीक है, व्यक्ति को जीवन में जीना है तो इन वस्तुओं का इस्तेमाल करे और भगवत भक्ति में आगे बढ़े, यही मुख्य प्रयोजन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर जो आध्यात्मिक जीवात्मा आध्यात्मिक संसार में रहती है वो ये भौतिक संसार में आएगी तो वो तो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। जैसे मान लीजिए मनुष्य अगर सुअर बन जाए तो सुअर की योनि में मनुष्य कैसे जी पाएगा? सुअर का जो रहना है, जो खाना है, जो प्रकृति है, वो तो मनुष्य उससे घृणा करता है। तो अगर मनुष्य ये सोच करके, ये भावना से कि मैं मनुष्य था, अगर सुअर बन जाएगा तो वो कभी भी सुअर के जीवन में जी नहीं पाएगा। तो ये अविद्या क्या करती है, जीव की बुद्धि को ढक लेती है और इस कारण से जीव ये सोचने लगता है कि मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मेरा शरीर, मेरी पहचान मेरा शरीर है, और इस अविद्या के चलते वो भौतिक संसार में फंस जाता है। तो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए ये अविद्या ब्रह्मा जी के लिए बहुत जरूरी थी। अगर वो ब्रह्मा जी इस अविद्या को नहीं बनाते तो जीवात्मा भौतिक संसार में रहते नहीं, आगे बढ़ते नहीं, अपने सांसारिक कार्यों में लगते ही नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इस अविद्या की सृष्टि की। दृष्टा पापी यासिम सृष्टिम नात्मानं बहु अमान्यता भगवत ध्यान पूतेन मनसायायं ततो सृजात। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा को ही दंडवत प्रणाम। ऐसे भ्रामक सज्जन को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतः उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। हरे कृष्णा प्रणाम। अब ये अविद्या जो है वो भ्रम प्रकट करती है, जीवात्माओं को मोह में डालती है, तो बहुत अच्छा काम तो है नहीं। जैसे मान लीजिए, आज प्रभुपाद जी का सुबह लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे, मानिए पुलिस किसी को मार रही है, डंडे से पीट रही है, तो जो पिट रहा है वो भी पुलिस को थैंक यू नहीं बोलेगा, और पुलिस जो पीट रही है उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ। लेकिन ये थैंकलेस जॉब है, ये काम करना पड़ता है। उसी तरह ब्रह्मा जी जो अविद्या बनाए हैं, भ्रामक सृष्टि बनाए हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि जीवात्मा भ्रम में पड़े, जीवात्मा भी नहीं चाहते हैं कि वो कष्ट प्राप्त करे। लेकिन अब इस भौतिक संसार में जीवात्मा भगवान से द्वेष करके आ गई तो ब्रह्मा जी को ये सृष्टि करना पड़ी, इसलिए ये कार्य करके वो भी खुश नहीं हुए। तो अब उसके लिए उन्होंने भगवान का ध्यान किया, अपने आप की शुद्धि की और फिर आगे अपनी सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाया। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करने के संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्ध आत्माएं ऐसा चाहती थी। भगवान कृष्ण का भगवद गीता 15:15 में कथन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या बुलाने में सहायता करते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्व दयामय भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की विस्मरण करने में क्यों करते हैं? वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित होती नहीं होती। भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है। जो सर्व दयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पास से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भुलवाने में सहायता करते हैं। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह सुखी है कि नहीं। इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
अतः उन पर पांचों प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती है। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे प्रसन्न नहीं होंगे होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जो जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। हरे कृष्ण। तो ये कुछ इस प्रकार हुआ, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं स्वयं के ग्रस्त जीवन से। जब प्रभुपाद ग्रस्त जीवन में थे, एक बार उनका बच्चा बहुत जिद्दी करता कि मुझे पंखे, जो टेबल फैन होता था उस टाइम पे, तो मुझे टेबल फैन में पंखे में उंगली देना है। तो प्रभुपाद जी ने बच्चे को बहुत समझाया कि देखो उंगली डालोगे तो तुम्हारी उंगली में लग जाएगी। तो वो मान नहीं रहा था, खूब इतना जिद्दी कर रहा था। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने उस पंखे को बंद किया। अब बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तो पंखा घूमता है, जब एकदम स्पीड कम हो गई तब प्रभुपाद ने बोला ठीक है अभी उंगली डालो। जब उसने उंगली डाली तो खट से आवाज आई, उसको लगी नहीं लेकिन खट आवाज आई, तो वो डर गया। प्रभुपाद बोलते हैं दोबारा उंगली डालो, तो बोले नहीं नहीं अभी दोबारा उंगली नहीं डालूंगा। प्रभुपाद बोले डालो ना, क्या बात है अभी दोबारा उंगली डालो, तो बोले नहीं नहीं अब दोबारा उंगली नहीं डालूंगा। यही हमारी स्थिति है, भगवान हमको अविद्या से बचाना चाहते हैं, मना करते हैं शास्त्रों के रूप से, परमात्मा के रूप से, भक्तों के रूप से, फिर भी हम अटक रहते हैं, नहीं हमको तो भौतिक संसार में ही जाना है। तो भगवान बोलते ठीक है या विद्या रूपी पंखे में उंगली डालो और देखो तुमको कैसा लगता है। तब जब जीव पता करता है कि नहीं ये अविद्या में फंस के तो मेरा पतन होता जा रहा है, और अगर भाग्यशाली होगा तो उसके फिर आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा होगी, भगवान उसको मदद करके पुनः भगवत धाम बुलाने में उसकी मदद करेंगे। सनकम च सनंदम च सनातनम अधात्म भू सनत कुमारम च मुनिम निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार है। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्त थे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के ये चार प्रथम मानस पुत्र हैं, यानी कि ये सृष्टि के सबसे पूर्वज, सबसे पुरातन ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये चारों को ऊर्ध्वरेता बताया गया है। ऊर्ध्वरेता, रेता मतलब वीर्य। तो सामान्य लोग वीर्य को व्यर्थ करते हैं अपने इंद्रिय भोग में, लेकिन जो ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं वह वीर्य उनका मस्तिष्क तक ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ जाता है और उनके मस्तिष्क को आध्यात्मिक चेतना में उन्नत करता है। इसीलिए इनको बोला जाता है, ब्रह्मचारियों को बोला जाता है ऊर्ध्वरेता। तो ये चार महामुनि पुत्र ब्रह्मा के ऊर्ध्वरेता थे, ब्रह्मचारी थे, और इन चारों ने भौतिक कार्यकलाप करने से मना कर दिया था, उनकी इच्छा नहीं थी भौतिक कार्यकलाप करने की। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बधी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ज्ञान के चार सिद्धांतों की सृष्टि की। ये है सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग को पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना और तब आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन तथा सनत इन चार मुनियों की रचना
आध्यात्मिक उन्नति के इन चार सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निर्भक संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ब्रह्मा जी ने जब अविद्या की रचना की तो जैसे पुलिस मारती है, लेकिन पुलिस फिर अच्छे जो सिटीजन्स हैं उनकी मदद भी करती है, उसी तरह ब्रह्मा जी ने ये चार सिद्धांतों को सृष्टि किया, सांख्य, योग, वैराग्य और तप। ये चार सिद्धांत आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक हैं। सांख्य मतलब भौतिक प्रकृति के विश्लेषण से भगवान तक पहुंचना, योग अर्थात भगवान के ऊपर ध्यान इत्यादि करके ये भवबंधन से मुक्त होना, वैराग्य यानी भौतिक आसक्तियों का दमन करके ज्ञान के उच्चतर स्थान पर पहुंचना, और तप यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या करना। तो इन चारों को सिखाने के लिए ब्रह्मा ने चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों को प्रकट किया और इनको ये कार्य सौंपा। आगे ब्रह्मा जी इनको और भी करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसको वो मना कर देंगे। तन भवासे स्वभूपुत्रान प्रजा सृजत पुत्र का तन्नेच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने इन चतुष्कुमारों को बोला कि अब तो तुम ये बड़े बड़े सांख्य योग तप इत्यादि तो जानते ही हो, जाओ तुम अभी सृष्टि को बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो। चारों कुमारों ने हाथ जोड़ के बोला, सॉरी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, आपने हमको इतने बड़े कार्य में लगा दिया, उर्दू रेता बना दिया, हमको तप इत्यादि ज्ञान दे दिया, अभी अभी हम संसार कहाँ कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की, ब्रह्मा जी के आदेश को नहीं पालन कर पाए। परमेश्वरी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में 11.5.41 आदेश है कि देवर्षि भूतात् निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायम नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्य गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की परम शरण ले रखी है जो हमारे मोक्ष दाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह किसी का ना तो ऋणी है ना किसी का दास है। चाहे वे देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि ना थी। हरे कृष्णा। शास्त्र में उल्लेख है कि यह एक आदेश है जो गुरु और पिता का भी ठुकराया जा सकता है। जैसे परशुराम ने जब भीष्म पितामह को आदेश दिया था कि आप ये अंबिका से शादी कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि यह एक शास्त्र शास्त्र में ही उल्लेख है कि पिता के बताए हुए हर आदेश को मानना चाहिए, गुरु के बताए हुए हर आदेश को मानना चाहिए, केवल यह एक आदेश को ठुकरा सकते हैं। जैसे चतुष्कुमार ने यह आदेश ब्रह्मा का पालन नहीं किया। तो जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा एक श्लोक है,
यह श्लोक को बड़े कई बार ब्रह्मचारी लोग कोट करते हैं, और 11वें स्कंद से प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये जो श्लोक दिया है ये सभी भक्तों के लिए बड़ा उपयोगी है। ब्रह्मचारी गृहस्थ सभी जो भी भक्त हैं, अगर वास्तव में नारायण परायण है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हैं, तो वो किसी के ऋणी नहीं रहते। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देव यानी देवता, देवता हमारे सांसारिक सहायता करते हैं तो हम उनके लिए ऋणी हैं। ऋषि ऋषिगण ये संसार के हमेशा उत्थान के लिए कार्य करते हैं तो हम उनके लिए ऋणी हैं। भूताप्त, भूता मतलब जो अन्य जीवात्मा है, चाहे वो पशु हो चाहे वो पेड़ इत्यादि हो, उनके ऊपर भी हम ऋणी हैं क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जीवन के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। नृणाम यानी कि राजा, राजा के ऊपर हम ऋणी होते हैं। पितृणाम, पितरों के ऊपर हम ऋणी होते हैं। लेकिन जो नारायण परायण भक्त है उसके लिए क्या लिखा है, ना किंकरो ना ऋणिम चराजन, वो ना तो किसी का दास है ना किसी का ऋणी है। क्यों, ऐसा क्यों है? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, उसने अपना सर्वस्व भगवान की शरण में जो अर्पित कर दिया है। गतो मुकुंदम परिहित कर्तुम, भगवान मुकुंद उसकी मुक्तिदाता है, और भगवान भगवान ये चलियो बस भगवान मुकुंद उसको हर और तरह तो रक्षा भले कंतु करते हैं, भगवान मुकुंद उसको सभी ऋणों से मुक्त करते हैं। मुकुंद शब्द का अर्थ है मुक्ति प्रदाता, भगवान जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद बोला जाता है। तो इसीलिए भक्त लोगों को किसी प्रकार के ऋणों की, किसी प्रकार की पूजा पाठ की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं तो भगवान उनको सभी ऋणों से मुक्त कर देते हैं। सोबधायतः सुतैर एवं प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम उपचक्रमे। नीलिमा माता जी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके पढ़िए माता जी। हाँ अभी पढ़िए। पुत्र द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वाभाविक बात है, इतने बड़े व्यक्ति की कोई बात नहीं मानेगा तो क्रोध, तो ब्रह्मा जी की बात मानी नहीं। और ब्रह्मा जी को ये काम तो भगवान ने ही सौंपा कि सृष्टि करो, आगे जनजातियों को बढ़ाओ, तो फिर अब ब्रह्मा जी का कार्य भी सिद्ध नहीं हो रहा है, भगवान की आज्ञा पूर्ण नहीं हो रही है, तो उनको क्रोध तो आना ही है। तो ब्रह्मा जी चतुष कुमारों का ये बात सुन के बड़े क्रोधित हो गए। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक है, अतएव उनके पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेश पूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध है, अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। करें क्या, काम हो नहीं रहा है, लेकिन चार कुमार बात भी तो सही कर रहे हैं। किसी को वैराग्य लेना हो, सन्यास लेना हो, तो वो तो गलत बात तो बोल नहीं रहा है। तो क्रोध आ भी रहा था, लेकिन क्रोध को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं, तो क्रोध को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्रोध किसी अन्य रूप से बाहर निकला, वो हम कल पढ़ेंगे, जहां से एक और महान सृष्टि हुई ब्रह्मा जी के क्रोध रूप से, तो हम लोग कल उसको आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पिछले 2-3 दिनों से हम प्रश्न नहीं ले पा रहे थे, तो जिनके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। यस निखिल प्रभु, प्रभु जी, आज आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है, वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है? हरे कृष्णा, अभी ठीक है? जी प्रभु हाँ प्रभु जी। जी, अब ठीक है। निखिल प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो है परसों के चैप्टर से, जिसमें कुछ काल की गणना के बारे में चर्चा हुई थी, तो उसमें बताया था कि जो सबसे छोटा काल होता है उसमें सूर्य की किरण जो है एक परमाणु से इंटर होती है और एग्जिट होती है, तो वो जो डिफरेंस होता है
वो सबसे छोटा काल होता है। और महाकाल के बारे में बताया था कि जब ब्रह्मांड के सारे जितने परमाणु हैं उनको अगर सूर्य ढक लेता है तो हाँ वो गणना को महाकाल बताया गया। पर प्रभु जी, ब्रह्मांड में तो एक सूर्य है नहीं, अनगिनत सूर्य है, तो इसका कैसा कैलकुलेशंस मतलब होता है? ये किसने बताया आपको? नहीं प्रभु जी, आपने बताया था ना कि ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ है, मतलब ये हमारा ही सूर्य और हमारे ही प्लेनेट्स नहीं है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, लेकिन अनेक अनंत ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है, इसलिए अनंत सूर्य बोलते हैं। लेकिन एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड का एक सूर्य है। अब दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे तो उधर फिर दूसरा सूर्य है, उस तरह। ठीक पर है, प्रभु जी, आज की जैसे जो भौतिक है, जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे सोलर प्लेनेट का एक सन है, ऐसे बहुत सारी भी है, जैसे बीटल जूस है, बहुत सारे मतलब सूर्य हैं, तो उनको आध्यात्मिक में ये सूर्य नहीं माना जाता है क्या? जैसे जब छोटा बच्चा बाजार में जाता है ना, तो हर फल को आम बोलता है, सेव फल को भी आम बोलता है, नाशपाती को भी आम बोलता है, आम को भी आम बोलता है। तो फिर मम्मी को बताना पड़ता है, नहीं बेटा ये आम है, ये नाशपाती है, ये सेव फल है। ऐसे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे वैदिक ग्रंथों के सामने बच्चे हैं, तो वैदिक ग्रंथों में इतना विस्तृत रूप से ग्रह मंडल का चर्चा है, पंचम स्कंद में हम पढ़ेंगे, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन अब उनके पास इतना नाम नहीं है, तो वो हर किसी को सूर्य बोल देते हैं। चलो हमारा सूर्य है और वो जो दूसरा चमक रहा है वो भी सूर्य है, और उस ग्रह के पास है वो भी सूर्य है, तो इस तरह वो लोग नाम दे देते हैं। लेकिन जो वैदिक जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से एक ही सूर्य है, बाकी फिर ग्रहों के अन्य अन्य नाम दिए हैं। हो सकता है वो भी प्रकाश दे, लेकिन सूर्य जो हम देखते हैं वह एकमात्र, उसको नाम सूर्य दिया गया है। सो इस डिफरेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर इज नॉट डिफरेंस ऑफ कंसेप्ट। अच्छा अच्छा जी प्रभु जी। अब प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न और है। कल के चैप्टर से आपने बताया था कि जो विष्णु भगवान का जो विरह अवतार है श्वेत, तो अब हम अभी उसी कल्प में है क्या प्रभु जी, जब उन्होंने भगवान ने ये रूप श्वेत अवतार श्वेत धारण वराह किया था? कल्प में ही है, हम उसी कल्प में चल रहे हैं जिसमें श्वेत वराह ने अवतार लिया था। ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। इसलिए जब वैदिक जो कर्म कांड होते हैं उसमें संकल्प के समय पर ये बोला जाता है, श्वेत वराह कल्पे, ये समय की गणना उस कल्प के अनुसार होती है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, यस प्रभु मेरे जी, दो प्रश्न है प्रभु जी। एक कल कल के उससे जिससे आपने बताया था कि हर जीव को 100 वर्ष की आयु मिलती है जो उसके ग्रह के हिसाब से, ग्रह और और योनि, लेकिन ग्रह और ग्रह योनि और हाँ ने एक उदाहरण तो दिया था कुछ दिन पहले कि हाँ कई जीव होते हैं, शाम के समय उनका जन्म होता है, शाम को ही वो बड़े हो जाते हैं, रात में ही वो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, बूढ़े होकर के सूर्य उदय के पहले उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो उनकी योनि के हिसाब से 100 वर्ष ही जिए हैं, लेकिन मनुष्यों के हिसाब से वो एक रात है। तो इस तरह योनि अच्छा और अच्छा ठीक। प्रभाव पड़ता है। अच्छा दूसरा, ये जैसे महाकाल की जो अभी बात हुई थी, पूरे ब्रह्मांड को, तो महाकाल देवता है या एक समय नापने की एक इकाई है? दोनों, जो भगवान महाकाल, भगवान शिव को हम पूजित करते हैं, वो भगवान के ही काल रूप हैं। तो वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक जो समझ है, वैदिक अंडरस्टैंडिंग जो है, हर वस्तु का एक भौतिक रूप होता है और एक देवता होता है जो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे अच्छा नदियां, यमुना, यमुना नदी भी है, यमुना देवी भी है, गंगा, गंगा नदी भी है, गंगा देवी भी है, हिमालय, हिमालय पर्वत भी है, हिमालय देव भी है, सूर्य, सूर्य ग्रह भी है, सूर्य देवता भी है। उसी तरह महाकाल जो भगवान शिव है, समय जो भगवान की काल शक्ति है उसको नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव भगवान के गुण अवतार के रूप में प्रस्तुत रहते हैं, इसलिए उनको महाकाल बोला जाता है। ठीक है ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में, भागवत में जगह जगह आता है कृष्ण भावनामृत में आदमी को स्थिर रहना चाहिए, कृष्ण भावित होना चाहिए। पहला प्रश्न ये है, इसका तात्पर्य प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये है, कर्म और कर्म योग में
क्या अंतर है प्रभु जी? ये दो प्रश्न। पहला जो प्रश्न है आपका कि कृष्ण भक्ति में स्थिर रहने का क्या मतलब है, स्थिर रहने का मतलब है चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, चाहे जितनी भी अनर्थ हमें परेशान करें, हम कृष्ण भक्ति का अनुसरण छोड़ते नहीं हैं। ये स्थिर रहने का मतलब है। स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा भगवान ने दी है उसमें यही बताया है कि मान अपमान में जो संभाव रहे, सुख दुख में जो संभाव रहे, वह स्थित प्रज्ञ है। तो भक्त क्या करते हैं, ना सम्मान में फूल जाते हैं कि वो भगवान को भूल जाए, ना दुख में इतने हताश हो जाते हैं कि वो भगवान को भूल जाए। वो प्रयास करते हैं सुख दुख जो हो भगवान की भक्ति को अविरत रूप से पालन करें, यह स्थित रहने का लक्षण है। और दूसरा, कर्म और कर्म योग में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म अर्थ होता है हमारी इच्छा अनुसार जब हम काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं, लेकिन योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। जो हमारे कर्मों को हम भगवान से जोड़ देते हैं उसको कर्म योग बोला जाता है। तो अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म योग में भी कर्म है, लेकिन अब भगवान के लिए काम है। जैसे दुर्योधन लड़ाई कर रहा है वो कर्म है, लेकिन अर्जुन भगवान के लिए लड़ाई कर रहा है वो कर्म योग है। तो ये दो अंतर हैं कर्म और कर्म योग में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अध्याय 11 का श्लोक 35-36 अनुवाद है। इसमें प्रभु जी अनुवाद में है, ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्रह्म नामक कल्प था जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, और 36 में है प्रभु जी प्रथम ब्रह्म कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है क्योंकि उस कल्प में विष्णु कमल का फूल भगवान श्री हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट। प्रभु जी ये पूछना चाह रहा था इसमें थोड़ा सा बाहरी कल्प, इसमें वास्तव में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है विकसित। तो कमल तो उद्भूत हुआ उसी में से तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन बाद में वो विकसित हुआ, पद्म कल में वो विकसित हुआ, मतलब कि 14 भुवनों की सृष्टि हुई, तो उसका विकास हुआ अगले में। तो वो जो लिखा है उद्भूत प्रकट नहीं हुआ, वास्तव में उसका विकास हुआ, मतलब ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उसके बाद उसका विकास हुआ। हाँ, ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ, पुष्प का विकास हुआ, उसकी नाल में 14 भुवन बाद में प्रकट। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। अरुण प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन था, मतलब काफी पहले से आ रहा था। जैसा कि हमें पता है प्रभु कि जो ब्रह्मा जी है वो जीव तत्व में सर्वोपरि है ना, और आपने कहा कि वो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं, किसी कारण से भगवत धाम जाने से छूट गए, इसलिए ब्रह्मा बन गए। तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कोई जीव बहुत अच्छा काम करे, भगवान की हमेशा भक्ति करे, वो सुख ब्रह्मा तो बन सकता है लेकिन भगवत धाम जाने से छूट गया हो, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रभु? दो कारण होते हैं। एक, जब तक सतोगुण का प्रभाव रहता है व्यक्ति फिर भी कलमश में रहता है। रजोगुण तमोगुण तो खत्म हो गया, पूर्ण रूप से निष्पाप है, ब्रह्मा मतलब निष्पाप, लेकिन फिर भी सतोगुण का आवरण रहता है। शुद्ध भक्ति में सतोगुण भी छोड़ना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी सेवा के माध्यम से उस सतोगुण से भी शुद्ध होते हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, भगवान के भक्ति के लिए, सेवा के लिए ब्रह्मा जी वो कार्य उठाते हैं, इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जैसे राधा रानी वृंदावन में प्रकट हुई, इसका मतलब ये नहीं है राधा रानी कलुषित हैं इसलिए वृंदावन आई, नहीं, भगवान की सेवा के लिए आई। जैसे शिला प्रभुपाद जी आए, इसलिए नहीं कि देखिए वो कलमश से मुक्त नहीं थे इसलिए प्रभुपाद जी भौतिक संसार में आए, नहीं, प्रचार करने के लिए आए। उसी तरह ब्रह्मा जी ने वो सेवा उठाई भगवान की सेवा करने के लिए। इतना बड़ा काम सृष्टि लीला भगवान हर किसी को नहीं देंगे, अपने भक्त को ही देंगे। तो वो सेवा करके फिर वो भगवत धाम चले जाते हैं, फिर दूसरे भक्त को मौका मिलता है। और अगर उतना शुद्ध कोई भक्त उस समय पर नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का कार्य करते हैं। कई सृष्टि ऐसी होती है जिसमें भगवान स्वयं ब्रह्मा का कार्य करते हैं।
तो इस तरह से दोनों पहलू हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी इस तरह क्यों करते हैं। ठीक है। जी प्रभु, एक प्रश्न और छोटा सा। मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि कुछ सालों पहले मेरे किसी वैष्णव ने कहा था कि शास्त्रों के हिसाब से, मेरे शायद समझने में थोड़ा सा भूल कर गया हो, तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि शास्त्रों के हिसाब से सूर्य हमसे थोड़ा नजदीक है, चंद्रमा दूर है, और अपन मनुष्य इस योनि में, मनुष्य जन्म में कभी भी जो है चंद्र पे नहीं जा सकता, ये उन्होंने बताया था, तो ये सही है प्रभु? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक डिटेल आपको समझना है। जैसे मान लीजिए भगवत गीता है, भगवत गीता आपके हाथ जी में देंगे तो आप पढ़ पाएंगे, है ना? भगवत गीता अगर एक गधे के सामने रखेंगे तो क्या वो भगवत गीता के पास है? बिल्कुल है। क्या भगवत गीता को टच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या भगवत गीता को पढ़ सकता है और समझ सकता है? नहीं पढ़ सकता, नहीं जी समझ। अगर मनुष्य चंद्र पे चला भी जाएगा तो भी चंद्रमा के गुणों को, चंद्रमा का जो वर्णन है, वहां की जो सृष्टि है, वहां का जो ऑपुलेंस है, उसको अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको चंद्रमा का शरीर नहीं मिला है। जिस तरह पानी में अभी हमको उठा के कोई पानी में फेंक देगा तो क्या मछली की तरह बढ़िया उधर तैरेंगे और वहां का बढ़िया आनंद लेंगे? क्या नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर पानी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमें जाके वहां पर घुटन होगी, हम वहां से बाहर निकलना चाहेंगे। उसी तरह से उपयुक्त शरीर के बिना चंद्रमा पे अगर कोई चला भी जाएगा तो क्या होगा? उसको केवल वहां पर खाली स्थान दिखेगा, कुछ पत्थर दिखेंगे, प्रकाश विहीन धरती दिखेगी, और वो वापस आ जाएगा। जिस तरह गधे को किताब में क्या दिखेगा? काला अक्षर भैंस बराबर। तो उसके लिए वो किताब बनी नहीं है, वो मनुष्य योनि में जब आएगा तभी किताब पढ़ पाएगा। उसी तरह चंद्रमा पे जाने के बाद भी मनुष्य क्यों अभी पत्थर उठा करके लेके आ रहे हैं? क्योंकि वास्तव में वहां पर जाने के लिए उपयुक्त शरीर चाहिए। अगर उस तरह पुण्य का स्तर नहीं रहेगा तो चंद्रमा उनको खाली ही दिखेगा। ये अंतर है। जैसे मानो प्रभु आप सिंगापुर गए, सिंगापुर जाने के बाद आपका वीजा ठीक नहीं है, एयरपोर्ट से ही आपको वापस भेज दिए, ठीक है? तो अब क्या बोलेंगे? आप जी सिंगापुर गए, हाँ गए तो सही, सिंगापुर देखा नहीं? सिंगापुर देखा नहीं, क्योंकि आपको तो एयरपोर्ट से वापस भगा दिया। तो उसी तरह प्रभु चंद्रमा पे जाना ठीक है, हम बोल सकते कि गए, लेकिन क्या वास्तव में गए? नहीं गए, क्योंकि हमारे पास वीजा तो था नहीं चंद्रमा का, वो पुण्य सिंचित कर्म नहीं थे, इसलिए चंद्रमा पे जाकर भी हम खाली चंद्रमा देख करके वापस आ गए। इस तरह हम लोग उस वैदिक साहित्य को अगर नहीं मानेंगे तो रावण जिस तरह प्रयास कर रहा था ना, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, तो ये रावण का प्रयास है। बिना पुण्य कर्म करके हम स्वर्ग इत्यादि ग्रहों में जाना चाहेंगे तो फिर खाली पत्थर देख कर ही वापस आ जाएंगे। ठीक है। प्रभु, बस ये दूरी दूरी का भी एक उदाहरण बताइए ना, दोनों से दूरी, मतलब कभी पृथ्वी दूरी से सूर्य की दूरी का और चंद्र। कैलकुलेशन शास्त्र के अनुसार एकदम सही आपने बताया, चंद्रमा पास है, चंद्रमा दूर है और सूर्य निकट है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो अभी तक सूर्य को जो जाने की हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी रेडी नहीं है प्रकाश के कारण, इसलिए हो सकता है हम वहां पर जाने जाने के लिए हमारे सारे विफल प्रयास हुए तो हमको लगता है कि सूर्य दूर है, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। दूसरी एक्सप्लेनेशन, प्रभुपाद ने एक और संभावना बताई है कि जिस ग्रह पे बार बार हम जा रहे हैं, हो सकता है वो चंद्रमा हो ही ना, वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई और ग्रह हो जहां हम जा रहे हैं, ये भी एक संभावना है, जहां से हमको चंद्रमा ना दिखता हो, हमको लग रहा हो कि यही चंद्रमा है, ये भी एक संभावना है। लेकिन वैदिक साहित्य में कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो हमको मालूम है। अभी तक जितनी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें कोई ना कोई गलती बाद में निकल ही जाती है, लेकिन वैदिक साहित्य में आज तक कोई गलती नहीं निकली, इतना विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण। मन, बुद्धि, अहंकार मिलके चेतना बनाता है, तो चेतना और आत्मा एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है प्रभु जी? नहीं, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन है। मन बुद्धि अहंकार मिलके चेतना नहीं बनाते हैं, मन बुद्धि अहंकार तीनों मिलके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। मन बुद्धि और अहंकार तो भौतिक पदार्थ हैं, और आत्मा से चेतना आती है। चेतना इस मन बुद्धि अहंकार को चलायमान करती है। चेतना वास्तव में आत्मा का ही विस्तार है।
जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उसी तरह आत्मा से चेतना निकलती है। और वो चेतना की प्रेजेंस से, चेतना की उपस्थिति से मन बुद्धि अहंकार और हमारा ये हाथ पैर वाला स्थूल शरीर ये चलायमान होता है। जब चेतना चली जाती है आत्मा के साथ तो फिर ये शरीर मर जाता है, ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। ठीक है बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रीवियस क्लास में जो चर्चा चल रही थी प्रभु जी, एक तो बहुत ही रहस्य सब पता चल रहा है, जो बचपन से मन में बहुत सारे प्रश्न थे बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी जो एक ये जो बात हो रही थी कि हम जब भगवान सांस लेते सांस छोड़ते हैं, तो प्रभु जी क्या वास्तविक में इसको जब हम भी सांस जब मतलब हम जो मनुष्य हैं हम जब सांस छोड़ रहे हैं ले रहे हैं, उसमें भी तो बहुत सारे जो जीव है बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे है, और जो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे सेल्स है, तो क्या मैं इसे समझ सकती जब हमारे ये लेवल पे ये है तो सच में भगवान के लेवल पे कितना बड़ा होगा, क्या इस तरह समझ सकते हैं? इसी तरह हमको समझना चाहिए, लेकिन अंतर इतना है कि हम केवल नाक से सांस लेते हैं, भगवान अपने हर रोम छिद्र से सांस लेते हैं, तो उनके अनंत ब्रह्मांड हर एक रोम छिद्र से निकलते हैं और फिर पुनः भगवान के शरीर में आ जाते हैं। और प्रभु जी अभी जो चर्चा हो रही थी, तो प्रभु जी ऐसा हमने कहीं जाना था कि चंद्रमा तो मतलब बहुत सारे हैं, तो अभी कौन से चंद्रमा के बारे में बात हो रही है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग ग्रह के पास भी बहुत उपग्रह है और भी ग्रह के पास है। आपका प्रश्न और निखिल प्रभु का प्रश्न लगभग समान है। देखो चंद्रमा बहुत सारे नहीं है, चंद्रमा एक ही है, लेकिन साइंटिस्ट जिसको चंद्रमा बुलाते हैं, मान लो हम जो चंद्रमा को देखते हैं पृथ्वी से वो तो एक चंद्रमा है, लेकिन जो बाकी ग्रहों के जो सैटेलाइट है उनको भी मून बुलाते हैं, वो उनका नॉमेनक्लेचर है, वो उन्होंने नाम रखा है, लेकिन वैदिक साहित्य में उनके नाम दूसरे हैं, उनको नक्षत्र बोला गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन चंद्रमा केवल एक ही बोला गया है। तो उस तरह ये नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, आप नॉमेनक्लेचर तो समझते हैं ना, नाम जो रखे हैं साइंटिस्ट उसका अंतर है, उसमें विरोधाभास नहीं है। वैदिक साहित्य में नाम अलग दिए गए हैं, साइंस ने नाम अलग दिए गए हैं, लेकिन अगर वो कंसेप्ट्स की बात करें तो कंसेप्ट्स लगभग सेम है। साइंस जब उतनी उन्नत हो जाएगी तो वैदिक साहित्य जितनी जानकारी साइंस को भी हो जाएगी। अच्छा प्रभु जी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई है व्यक्ति जो उसको वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया उनको मिला जो पहले से अपने वैदिक शास्त्र में, उनके हिसाब से उसने अपना नाम रख दिया। हाँ ऐसे ही तो होता है, जैसा उनको ज्ञान है कि हाँ पृथ्वी से एक चंद्रमा दिखता है, तो उनने बोला कि अच्छा ठीक है फिर मार्स के इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसको भी चंद्रमा बोल दो, फिर हर ग्रह के इर्द गिर्द जो घूम रहा है सबको चंद्रमा बोल दो, तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं हर प्लेनेट के अपने मून से। तो ये बचकाना नॉमेनक्लेचर है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ना, बच्चा बोलता है कि अरे सभी तो आम है, सब आम नहीं है, कोई आम है कोई अमरूद है कोई एप्पल है, अलग अलग नाम है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल। हरे कृष्ण माता जी, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी अभी अजय प्रभु जी ने एक सवाल पूछा था वो कल्प को लेके, जैसे ब्रह्मा कल्प जब ब्रह्मा जी बोर्न होते हैं ब्रह्मा जी का वो होता है, और जब जब तक वो भगवान की नाभि से नाल निकलती है और पद्म कल्प आता है, वो क्योंकि कल्प तो बहुत बड़ा होता है, तो हम यही बोलेंगे जब ब्रह्मा जी का बोर्न हुआ तब ब्रह्मा कल्प हुआ, और जब तक वो नाल विकसित हुई वो उतने पूरे कल्प में वो उसको पद्म कल्प बोलेंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि पूरे ही कल्प में बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है, जब बड़ी उस कल्प का नाम पद्म कल्प है, जैसे हमारा बर्थडे होता है तो ऐसा नहीं पूरा दिन ही हम पैदा होते हैं, अब उस दिन में हम एक मुहूर्त में पैदा हुए, लेकिन वो दिन को क्या बोल दिया, हमारा बर्थडे बोल दिया। उसी तरह कमलनाल विकसित हुई, हो सकता है 100 वर्ष में हुई, हो सकता है 1000 वर्ष में हुई, लेकिन उस कल्प का नाम रख दिया गया पद्म कल्प, जैसे वराह कल्प। जब तक वो विकसित हुई उसके बाद विकसित होने के बाद उसको पद्म कल्प बोला गया। हाँ हाँ जैसे वराह कल्प, वराह अवतार हुआ, वराह अवतार तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए,
लेकिन उस पूरे कल्प का नाम ही पड़ गया बराकल्प। जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस इवेंट के नाम पर ही उस दिन का नाम घोषित कर दिया जाता है, तो इस तरह उसका पद्मकल्प नाम पड़ गया। ठीक है, प्रभु जी, अभी जो हमने काल की गणना हमें चैप्टर पढ़ा, अब इसमें एग्जाम में आप इसमें तो इतने सारे हर एक लाइन में एक क्वेश्चन आंसर है, तो ये तो अलग अलग श्लोक का एक एक क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा कैसे बेसिक एग्जाम बेसिक देंगे? रखेंगे, उतना याद भी नहीं रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक काल की गणना याद रखना। ठीक है, जितना याद रख सकते हैं उतना याद। ऐसा तो सर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा नेक्स्ट एग्जाम। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सामान्य काल की गणना किस तरह होती है, परमाणु काल क्या होता है, छोटा जो सबसे छोटी इकाई सबसे बड़ी इकाई, इस तरह एटलीस्ट पता होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है अजय सर, प्रभु हरे कल कृष्ण। पूछ लेंगे, अभी गुरु पूजा शुरू हो गई है, 5 मिनट लेट हुई। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।